गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है? तो अभी होली की सफाई हो रही है घर के अंदर, और KVS के एग्ज़ाम के चक्कर में मैंने घर के सारे काम पेंडिंग छोड़ रखे थे, बट अब KVS ने क्या किया, उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा क्या आप लोगों का भी दिल तोड़ दिया, क्योंकि पेपर लीक करवा दिया, साथ में ही अब एक इंटरव्यू कंडक्ट करवा रही है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके साथ में ही अब हमें क्या करना चाहिए, आगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ाई के लिए। तो अभी मैंने तो उम्मीद छोड़ ही दी है कि KVS का रिज़ल्ट में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। मैं अपने आगे की तैयारी में लग गई हूँ, तो मैं अपने एस्टेट की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी एस्टेट की वैकेंसी नहीं आई है, और सुनने में आया है टीचर और स्टूडेंट रेशियो वो कह रहे हैं कि इक्वल है, बट ऐसा नहीं है। और अभी मैंने मॉर्निंग का काम कर लिया है, तो अब मैं बैठ गई हूँ पेपर एनालिसिस करने। 2018 का पेपर एनालिसिस कर रही हूँ, और मैं आपको बताऊँगी कि एग्ज़ाम जो हमारा आने वाला है, ये वैकेंसी आपको एकदम से देखने को मिलेगी, जैसे कि हमें KVS को देखने के लिए मिली थी, और हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं था कि हम लोग ढंग से तैयारी कर पाएँ। और जैसे तैसे हम लोगों ने तैयारी करी भी, तो क्या हुआ कि एग्ज़ाम लीक हो गया, और हमारी मेहनत पे सब पानी फेर के रख दिया, और लोगों ने पैसा दे के, बच्चों ने, स्टूडेंट ने पैसा दे के, जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी थी, वो अपने पैसे के दम पर वैकेंसी ये जॉब पाना चाह रहे हैं। बट हम क्या करें, अब हम आगे की स्ट्रेटेजी हमें क्या करनी चाहिए। तो अभी मैं 2018 का पेपर एनालाइज कर रही हूँ, बैठकर मैं देख रही हूँ कि पेपर किस तरीके से आया है, वो मैं आपको एनालाइज करके बताऊँगी। और सुनने में आ रहा है कि DSSB की वैकेंसी आ गई है, 1100 वैकेंसी देखने को मिल रही है उसके अंदर। और उसके अंदर सबसे खास बात ये है कि उसके अंदर जो एज लिमिट है 30 है, तो बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जो 30 से 30+ हो चुकी है, तो उनके लिए बहुत बुरी खबर है ये। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों को सिर्फ अब एस्टेट की तैयारी करना चाहिए, उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है सिर्फ एस्टेट के अलावा। 2018 का पेपर एनालाइज किया है सुपर टेट का, तो जो 2018 का पेपर हमारा सुपर टेट का हुआ था, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं थे। अभी मैंने 18 का ही एनालाइज किया है, उसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आए आज की वीडियो में आपको मैं ये बताने वाली हूँ। तो हिंदी में पैराग्राफ आया था, 20 नंबर की हमारी हिंदी है, उसके अंदर पैराग्राफ आया था। पैराग्राफ में 3 से 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं उन्होंने, 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ के हैं, और समास से 4 से 5 क्वेश्चन समास का है, एक शब्द से एक क्वेश्चन सा, और कारक से एक क्वेश्चन, तत्भव तत्सम इससे 3 से 4 क्वेश्चन इससे दे रखे थे, उपसर्ग दे रखा था, प्रत्यय दे रखा था। ये हमारा हिंदी का सिलेबस है, इस सिलेबस के अंदर सिर्फ इतना दिया था, यानी आपके ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, इसके अंदर आपको तत्सम तत्भव और आपका समास से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। इंग्लिश में पोएट्री से एक पैसेज पूछा गया था, पोएट्री से एक पैसेज दिया गया था, उसके अंदर भी 3 से 4 क्वेश्चन उसके पूछे गए थे, और एक नॉर्मल जो पैसेज होता है उससे उसमें से 3 क्वेश्चन दिए गए थे। इंग्लिश हमारे 10 मार्क्स की है, बाकी जो बचा 3 नंबर ये हो गए, 3 नंबर पोएट्री से हो गए, 3 नंबर आपके नॉर्मल पैसेज उससे हो गए, 6 नंबर ये हो गए, 4 नंबर में आपका एग्जेक्टिव एडवर्ब और ये सब पूछ लिया गया है। संस्कृत के अंदर गद्यांश में भी पैसेज होता है, 4 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे, तत्सम भी पूछा गया था, तद्भव पूछा गया था, संधि भी और कारक ये क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ्स बहुत ही ज्यादा टफ पूछा है, मैथ्स का लेवल मैं आपको बता देती हूँ, इतना टफ पूछा गया है, जो हमारा सुपर टेट का जो मैथ्स है क्लास 8 से लेकर 12 तक के जो मैथ्स के क्वेश्चन है वही पूछे गए हैं। एक तो क्वेश्चन थे बस जो इजी थे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा टफ थे। मेरे को जब मैंने देखा एनालाइज किया, तो मुझे लगा कि KVS का तो मैथ्स आया था बहुत ही ईजी था, सीटेट का जो मैथ्स आया था वो भी बहुत ईजी था इसके आगे, बट इसके अंदर बहुत ही ज्यादा टफ दिखा रखा है। और जो साइंस है, साइंस के मैथ्स के अंदर मैं आपको बता देती हूँ, डाटा हैंडलिंग, रोम्बस, ज्योमेट्री से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, ट्रायंगल से पूछा गया था, और एक क्वेश्चन स्थानीय मान का पूछा गया था। स्थानीय मान का क्वेश्चन तो बच्चा कर लेगा, और मतलब ज्योमेट्री से क्वेश्चन ज्यादा दे रखे थे। साइंस भी बहुत ज्यादा टफ दे रखी थी, साइंस का लेवल भी 8th क्लास से ऊपर का था, 8th से 12th क्लास की जो साइंस होती है वो आया गया था। और आपका पेडागोजी जो होता है, पेडागोजी नॉर्मल, मतलब पेडागोजी मुझे इजी लगी, इतनी टफ नहीं थी, क्योंकि पेडागोजी आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आपको कैसे समझ में आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आपको पेडागोजी अच्छे से आ गई तो आप वहां से भी नंबर अच्छा खासा ले सकते हैं।
बाकी जीके और सीएआर 30 नंबर का है इसका सिलेबस, को इसका जो कंटेंट है काफी ज्यादा है आपको अच्छे से पता है, 30 नंबर का है। तो मुझे इस पेपर को एनालाइज करके ये पता चला है कि जो हमारा साइंस है और हमारा मैथ्स है इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी न्यूज में देखने को मिल रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कह रही है कि टीचर और स्टूडेंट जो रेशियो है वो मतलब बराबर है, उनको कोई जरूरत नहीं है अभी वैकेंसी निकालने की। तो ऐसा कुछ नहीं है, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। और जब वैकेंसी आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास टाइम बहुत कम है, एकदम से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन पे लगे रहिएगा और मैथ्स और साइंस की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये टफ सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चंस इसके बहुत टफ हैं और इसका सिलेबस भी काफी ज्यादा है। तो अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप एक हाउसवाइफ हैं और अब हाउसवाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में एक दिन में आपको सिर्फ 4 घंटे निकालना है, उस 4 घंटे के अंदर ही आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो अभी मैंने ये 2018 का पेपर एनालाइज किया है, इस पे वीडियो बनाया है। अब मैं 2019 का पेपर एनालाइज करूंगी, मैं देखूंगी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं या हमको पेपर खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हमको पेपर खुद से सॉल्व करना पड़ेगा तो ये बहुत टफ लगेगा, क्योंकि अगर ऑप्शनल्स होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं हमको रिकॉल हो जाता है कि हाँ नहीं इसका आंसर ये हो सकता है। बट अब अगर हमसे एकदम से पूछ लिया जाए कि चौराहा का अगर हमसे एकदम से पूछ लिया जाए कि चौराहा का समास कौन सा है तो एकदम से कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आएगा, बहुत मतलब थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। बट इसके अदरवाइज अगर हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं तो उससे हमको ज्यादा इजिली पेपर सॉल्व करने में हो जाता है। अब मैं 2019 का पेपर सॉल्व करूंगी, मैं उसका वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि पेपर इजी मतलब पेपर अभी 2018 का जो पेपर था मुझे बहुत टफ लगा। हिंदी इंग्लिश संस्कृत ये सब ठीक था, मैथ्स और साइंस मुझे बहुत टफ लगा। अब मैं 2019 का सॉल्व करूंगी, 2019 का सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगी इसका पेपर कैसा था, ऑब्जेक्टिव टाइप था या खुद से सॉल्व करना था, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं, उन हाउसवाइफ को हेल्प मिलेगी जिनके पास टाइम बहुत कम होता है पढ़ने के लिए, और वो मेरी वीडियो से एनालाइज कर लेंगे पेपर किस तरीके का आ रहा है। क्योंकि जो पेपर अभी एनालाइज किया मैंने वो पेपर उसके अंदर पूरे उसने 1.5 घंटा ले लिया था, तो मैंने आपको शॉर्ट टाइम में एनालाइज करके बता दिया है कि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन है, इतना टफ है इतना इजी है। तो आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।